वाले लोग हैं, जो एलीट है, उसको फिक्र ही नहीं है आम आदमी की। जब मैंने आपको कहा कि सारे खानदानों को आप हेल्थ कार्ड देंगे तो दोनों को शुरू में बड़ा झटका पड़ा। 440 अरब रुपया 3 सालों में खर्च करना है इन्होंने। इस मुल्क की तारीख में कभी नहीं सोचा किसी ने। छोटे गरीब इलाकों के अंदर डॉक्टर्स नहीं जाते, वहां खाली पड़े होते हैं बेसिक हेल्थ यूनिट, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं। अब प्राइवेट सेक्टर आएगा क्योंकि सबके पास हेल्थ कार्ड हो। सेहतमंद पंजाब की जानिब बड़ा कदम, वजीर आजम ने हेल्थ कार्ड का इजरा कर दिया। 3 सालों में 440 अरब हेल्थ इंश्योरेंस पर खर्च होंगे, कोई सोच भी नहीं सकता था। हेल्थ कार्ड से गरीब लोगों को फायदा होगा, ये हेल्थ इंश्योरेंस नहीं हेल्थ सिस्टम है। एहसास राशन कार्ड के जरिए गरीबों को सब्सिडी देंगे, आटा घी दालों पर 30% रियायत मिलेगी। इमरान खान का लाहौर में तकरीब से खिताब, महंगाई पूरी दुनिया का मसला करार, आवाम के लिए आसानियां पैदा करने का आज़्म। पाकिस्तान सेहत कार्ड्स में पंजाब भर के तमाम जो लोग हैं वो उसमें इंश्योर्ड होंगे और उनको 10-10 लाख की जो इंश्योरेंस होगी उन तमाम लोगों की होगी। 36 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3 करोड़ खानदानों में 11.5 करोड़ आवाम को ये सहूलियत मैसर होगी। मुल्क की तारीख में पहली दफा इतना तवज्जो हेल्थ की तरफ दी गई, शायद पहले कभी नहीं दी। यकम जनवरी से पंजाब में सेहत कार्ड का आगाज हो जाएगा। सेहत कार्ड से हर खानदान 10 लाख तक इलाज करा सकेगा। कोरोना की वजह से मुश्किलात का सामना था, आवाम को बुनियादी सहूलतों की फराहमी जारी है। वजीर आला पंजाब उस्मान गुलजार का तकरीब से खिताब, डेरा गाजी खान और साहिबाल डिवीजन में 100% कार्ड तकसीम किए जा चुके। डॉक्टर यासमीन राशिद, 52 लाख कार्ड जो थे वो हमने 52 लाख फैमिलीज में बांट डाले, वो फैमिलीज जो गुर्बत की सतह से नीचे रहती। तकरीबन 7 लाख फैमिलीज हैं जिन्होंने इस कार्ड की वजह से अपना इलाज कराया। 1 जनवरी से इंशाल्लाह पूरे पंजाब को कार्ड्स मिल जाए। रूल ऑफ लॉ वो रोकता है इस तरह के क्रिमिनल्स को ऊपर आने के लिए, और ये जो करप्शन है ये एक सिम्टम्स है रूल ऑफ लॉ ना होने की। हिंदुस्तान कर रहा है इस वक्त जो हिंदुस्तान को वो डेमोक्रेसी भी कहते हैं और उसके साथ कोई वेस्टर्न मुल्क उसको कोई तनकीद नहीं। करप्शन कानून की हुक्मरानी ना होने की अलामत है। कानून की हुक्मरानी जराय पेशा अफराद को आगे बढ़ने से रोकती है। जमहूरियत वही मुस्तहकम होती है जहां कानून की हुक्मरानी हो। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान ने 80,000 जानों की कुर्बानी दी। कुर्बानियों के बावजूद हमें खतरनाक मुल्क कहा गया। हमारे मुल्क में रिसर्च कल्चर की शदीद कमी है। एक इलाके की तरक्की दूसरे का पीछे रह जाना भी इंतशार पैदा करता है। वजीर आजम इमरान खान का माजला डायलॉग से खिताब, वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत इजलास, इमरान खान की जारी मंसूबों को मुयना मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा सनअती तरक्की के लिए विफाकी सूबाई इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। गुजरांवाला में रीजनल इकोनॉमिक ग्रोथ स्ट्रेटजी पर अमल किया जाएगा। मुल्क में सरमायाकारी बढ़ाने और कारोबार के लिए मौजूद माहौल फराहम कर रहे हैं। बल्दियाती इदारों की फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मामला, पंजाब में 4 रुकनी लोकल गवर्नमेंट फाइनेंस कमीशन तश्कील दे दिया गया। वजीर खजाना सरबराह होंगे, 2 अरकान वजीर आला और 2 अपोजिशन लीडर नामजद करेगा। 1 खातून मेंबर की शमूलियत भी लाजमी। सेनेट इलेक्शन में वोटों की खरीदो फरोख्त रोकने के लिए कानून साजी का फैसला, मुसविदा तैयार, बाबर आवान ने तस्दीक कर दी। इजलास है वफाकी काबीना का, उसमें पार्लियामेंट्री अफेयर्स एक अहम कानून साजी जिसका ताल्लुक सेनेट के इंतखाबात में वोटों की खरीदो फरोख्त से मुतालिक है उसके ऊपर। सेनेट इलेक्शन में वोटों की खरीदो फरोख्त रोकने के लिए कानून साजी का फैसला, मुसविदा तैयार, बाबर आवान ने तस्दीक कर दी। वजारत पार्लिमानी अमूर की जानब से काबीनों को ब्रीफिंग दी जाएगी। जो कह रहे हैं कि ये काला कानून है उनका मुंह काला हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। हम कराची में और पूरा सूबा में अपना लोकल बॉडी निजाम को एम्पावर कर रहे हैं। फाइनेंशियल खुद मुख्तारी कोई अपना इख्तियार नहीं देता, कोई पियोन भी अपना इख्तियार नहीं देता। पीटीआई की तरफ से तनकीद हो या सूबाई सतह पे जो
उनके एतिहादी है, उनकी तरफ से तनकीद हो, वो जायज तनकीद हो, हम बर्दाश्त भी करने को तैयार है। मैं समझता हूं कि ये जो कानून सिंध हुकूमत ने लेकर आए हैं, ना पंजाब का कानून हमारा मुकाबला कर सकता है, ना पख्तूनख्वा का कानून हमारा मुकाबला कर सकता है। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट को काला कानून कहने वालों का अपना मुंह काला होगा। नए बिल के तहत बलदियाती नुमाइंदों को इश्तियारात दिए जा रहे हैं। मुस्बत तनकीद जायज, झूठ बोलना ठीक नहीं। सिंध बलदियाती एक्ट में अवामी मफाद में तरमीम की जा रही है। पीटीआई अपनी मर्जी का निजाम मुसल्लत करना चाहती है। हम पर तनकीद करने वाले लाहौर में मर्जी का कानून ला रहे हैं। बिलावल भुट्टो का इल्जाम, टीपी चेयरमैन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। राणा शमीम बयान हल्फी केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाज। अटॉर्नी जनरल की फर्ज जुर्म आयद करने की सदा, अदालत ने फर्ज जुर्म आयद करने का फैसला मुअक्खर कर दिया। बयान हल्फी खबर ऐसे लगाकर अदालती हिदायत लेती हैं, क्या बिना वजह इस कोर्ट पर कोई इल्जाम लगाया जा सकता है? दुख की बात है, झूठ सच बन रहा है और सच झूठ बन रहा है। चीफ जस्टिस अतर मिन अल्लाह के रिमार्क, केस की समाज 20 दिसंबर तक मुलतवी। जाब्ता इफ़ाक की खिलाफ वर्जी, खैबर पख्तूनख्वा के 2 MPAs, 1 MNA को इलेक्शन कमीशन का नोटिस। वजीर सेहत तैमूर झगड़ा और MPA आसिफ खान 14 दिसंबर को तल कर लिए गए। MNA शेर अली रुख अहबाब को भी 14 दिसंबर को पेश होने की हिदायत। सेनेट मेंबर साबिर शाह को भी जाब्ता इफ़ाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी। साबिर शाह को 15 दिसंबर को पेश होने की हिदायत। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर कैमर खेत महंगाई नहीं आई जो इस वक्त है, और इसने हर घर को तबाह हाल कर दिया है। लोग इस वक्त हाथ उठा के आसमान की तरफ बदवाएं ले रहे हैं। हुकूमत को मैं समझता हूं कि पूरी कौम इस वक्त एक ऐसी सूरत हाल में है जिससे कि यकीन करें खौफ। मुल्की तारीख में इतनी कयामत खेज महंगाई नहीं आई जितनी अब है, शहबाज शरीफ के एक बार फिर हुकूमत पर वार। बोले, इस महंगाई ने हर घर को तबाह कर दिया। लोग हाथ उठाकर हुकूमत को बददुआएं दे रहे हैं। लोग एक वक्त की रोटी को तरसते हैं। कौम ऐसी सूरत हाल में है जिससे खौफ आता है। बल्कि अगले इलेक्शन में भी एक जबरदस्त किस्म की कामयाबी लेंगे। ये लादा बात है कि अपोजिशन पहले मशीन पे फड्डा डालेगी। कोई बदमजगी होगी तो, कोई बदशगुनी होगी तो उसके जिम्मेदार ये होंगे। और मोस्टली रोडें जो हैं, सारे बच्चे बच्चों को पता है कि 23 मार्च को 2-3 दिन पहले बंद हो जाती हैं। मैंने उनसे कहा कि आप 30 मार्च को आएं, अगर आप कानून को हाथ में नहीं लेंगे तो कानून आपको हाथ में नहीं लेगा, अगर आप कानून को हाथ में लेंगे तो कानून आपको हाथ में। सबको पता है 23 मार्च को इस्लामाबाद में कौमी परेड होती है। 23 मार्च को कोई बदअमनी हुई तो पीडीएम जिम्मेदार होगी। अपोजिशन 30 मार्च को इस्लामाबाद आ जाए, शेख रशीद का मशवरा। कहा, कानून हाथ में लेने वालों को कानून ही हाथ दिखाएगा। अपोजिशन इस इलेक्शन में भी धांधली का शोर मचाएगी। ओवरसीज के तमाम वोट सीबीआई के होंगे। अपोजिशन खड्डा डाले, हम तैयार हैं। वजीर दाखिला की मीडिया टॉक। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग का चालान अदालत में जमा करा दिया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज FIA चालान में मरकजी मुलजिम नामजद। FIA का चालान 7 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल है। FIA ने चालान में 100 गवाहों की लिस्ट भी जमा करा दी। अदालत में गवाही देंगे सलमान शहबाज समेत 3 मुलजमान इस मुकदमे में इश्तिहारी हो चुके। वजीर आला सिंध मुहाजों को अकलियत कहते हैं। रहनुमा MCM पाकिस्तान फारूक सत्तार की घन गर्ज। बोले, हक मांगने पर कहा गया खामोश रहो। मुराद अली शाह ने कहा, तुम गिनती में कम हो, फैसले हम करेंगे। पाकिस्तान बनाने वालों की नस्लों से कहा गया, तुम अकलियत हो। ये वही लहजा है जो जुल्फकार मिर्जा ने इख्तियार किया था।
गैस सनअतों को फराहमी की जा रही है ना ही घरेलू सार्फिन को। सेनेटर शहरी रहमान का बयान, कहा कराची से खैबर तक लोगों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं, लोग लकड़ियों और कोयलों पर खाना पकाने पर मजबूर हैं। गैस बिजली की कीमतों में होशुबा इजाफे के बावजूद बहरान खत्म नहीं हुआ। दुनिया में यूरिया खाद की कीमत 10,000 रुपए है, पाकिस्तान में सरकारी दाम 1700 है। वफाकी वजीर इत्तला फवाद चौधरी का बयान, कहा यूरिया ब्लैक में भी ज्यादा से ज्यादा 2200 रुपए की है। डीएपी पाकिस्तान दरामद करता है, इस पर हमारा इख्तियार नहीं। किसानों को 5 बड़ी फसलों पर 400 अरब इजाफी आमदन हुई, अब हुकूमत इसके बाद और क्या करे। विफाकी वजरा सिंध में आकर झूठ और गलत बयानी करते हैं, वजीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख का बयान, कहा गैस की बंदिश के बायस लोगों के चूल्हे ठंडे पड़ चुके, सनअतों की बंदिश से हजारों खानदान पाताकशी का शिकार हैं। सिंध के बल्दियाती कानून में यूसी सतह पर इख्तियार दिए गए। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात, सियासी सूरतहाल और मुल्की मामलात पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब कहते हैं पीटीआई मुफाद आमा के भरपूर इकदाम उठा रही है, सेहत कार्ड पीटीआई का तारीख साज इकदाम है। वजीर आला पंजाब ने कहा इदारों को मजबूत और बाख्तियार बना रही है। पंजाब ने बाख्तियार बलदियाती निजाम दिया, अपोजिशन जान ले कि वो तरक्की का रास्ता नहीं रोक सकती। प्रियंका कुमारा कत्ल केस 18 मुलजिमान 15 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले, मुलजिमान को 28 दिसंबर को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। मुकदमे में बाजाब्ता तौर पर गिरफ्तार मुलजिमान की तादाद 52 हो गई, 34 मुलजिमान पहले ही जिस्मानी रिमांड पर। पंजाब भर से डेंगू के 19 केसेस रिपोर्ट, लाहौर से डेंगू के 13 मरीज रिपोर्ट हुए, बहावलनगर गुजरावाला फैसलाबाद से डेंगू का 1-1 मरीज रिपोर्ट हुआ। पंजाब भर से अब तक डेंगू केसेस की तादाद 26,021 हो गई। पाकिस्तान में ओमिक्रॉन के पहले केस की तस्दीक हो गई, कराची में मुश्तबा खातून में ओमिक्रॉन का वेरिएंट कंफर्म। पाकिस्तान में ये पहला तस्दीकशुदा केस है, मुश्तबा नमूनों की तस्दीक के लिए मुसलसल निगरानी जारी है। बेहतर इकदाम का मुअसर नतीजा, कोरोना के वार में मुसलसल कमी, मजीद 6 अफराद जान भर हुए कोरोना के बाद। संवाद की मजमू तादाद 28,836 हो गई, 24 घंटे के दौरान 244 नए मरीज रिपोर्ट हुए, मुस्बत केसेस की शराह 6-1 की रिकॉर्ड। बरतानिया में ओमिक्रॉन के बाद पहली हलाकत, वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने तस्दीक कर दी, मरीजों की तादाद 137 होने के बाद अलर्ट लेवल 4 कर दिया गया। जापान का पाकिस्तान पोलियो प्रोग्राम के लिए $4 मिलियन से जायद इमदाद का ऐलान, रकम वैक्सीन की खरीदारी के लिए इस्तेमाल होगी। जायका और यूनिसेफ ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। पंजाब में स्मोक की शिद्दत में बदस्तूर इजाफा, लाहौर में मजमू एयर क्वालिटी इंडेक्स 321 रिकॉर्ड किया गया, शहरी आंखों और सांस की बीमारियों में मुबतला होने लगे, सूरतहाल के तदारुक के लिए इकदाम न होने के बराबर। मौसम सरमा की छुट्टियां कब होंगी, बैनल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में कल फैसला मुतवक्के, तालीमी इदारे दिसंबर के बजाय जनवरी में बंद किए जाने का इम्कान, 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों की वैक्सीनेशन मामले पर मुशावरत भी होगी।
स्टॉक मार्केट में फिर मंदी। इंडेक्स 519 पॉइंट की कमी के बाद 42,876 पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 60 पैसे इजाफा, 180.50 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। शाह खालिद मिलिट्री सिटी हफराल बतीन में फौजी मश्क, अलकसाह की इफ्तिताही तकरीब। मश्क में सऊदी अरब और पाक फौज के जवान शरीक हुए। बारूदी सुरंगें नाकारा बनाने, तलाशी और इलाकों को क्लियर करने की मश्क भी शामिल। गाड़ियों की क्लियरेंस, बारूदी मवाद नाकारा बनाने का अमल मश्कों का हिस्सा। मश्कों का मकसद जवानों की सलाहियतों को बढ़ाना है। आज किया पाकिस्तान नेवी इंजीनियरिंग कॉलेज के 33वें कॉन्वोकेशन का इनकार। नेवल चीफ ऑफ स्टाफ एडमिरल अमजद खान नियाजी मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में 317 तलबा तालिबात ने डिग्रियां हासिल की। शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा तालिबात को 34 मेडल से नवाजा गया। '71 की जंग में शहीद होने वाले फ्लाइंग ऑफिसर नसीम निसार बेग को खराज अकीदत। शहीद के जंगी कारनामों पर मुख्तसर दौरानिए की दस्तावेजी फिल्म जारी। जुरत, पेशा वराना महारत और हरबी सलाहियतों को उजागर किया गया। तर्जुमान पाक से गए।